हाँ जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन पार्ट देखें एक बार, फिर सॉल्यूशन पर आएंगे। तो क्वेश्चन हमें कहता है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन June 30, 2016। तो हमें बीआरएस बनानी है, किस डेट को बनानी है बीआरएस? 30 जून 2016 को बीआरएस बनानी है हमें। आइए जी देखें, क्वेश्चन कहता है पहली बात उन्होंने दी है 29 जैन द बैंक क्रेडिटेड सम ऑफ, नहीं पहले, सबसे पहले उन्होंने फेवरेबल बैलेंस दे रखा है, सॉरी, बैंक स्टेटमेंट शो द फेवरेबल बैलेंस ऑफ 9,214। बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक का स्टेटमेंट है, फेवरेबल यानी क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं आप और पासबुक भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो पॉजिटिव बैलेंस है 9,214, पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं लगाया, ब्रैकेट में नहीं डाला इसको। आइए अब पहली ट्रांजेक्शन उन्होंने दिए जो डिफरेंसेस हैं, ऑन 29th ऑफ जून दे से द बैंक क्रेडिटेड द सम ऑफ 1,650 इन एरर, ठीक है, 1,650 रुपए का एक अमाउंट बैंक ने बाय एरर हमारे यहाँ अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। हमें तो उसकी इंफॉर्मेशन होगी नहीं, यानी पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, बाय एरर उन्होंने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, पर उसका बैलेंस ज्यादा है उस दिन, हमें कैश बुक पर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट को रिड्यूस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। हम नीचे आएंगे तभी तो कैश बुक के बैलेंस पर पहुंच पाएंगे आज, तो पासबुक में इसे माइनस करना है। आइए तो कुछ चीजें हम यहां ऐड कर रहे हैं और कुछ चीजें हम यहां पे डिडक्ट करेंगे, ठीक है जी। आइए डिडक्ट यानी लेस करेंगे, हाँ जी, सॉरी, एक बार फॉर्म साइलेंट कर देना, एक मिनट बेटा। हाँ आप बताइए जी, तो हमारे पास ये डिडक्ट करना है, हम लोगों ने डिडक्ट करना है, तो आइटम नंबर ए है हमारा, यहां लिखते हैं, ये लीजिए ए, रॉन्ग क्रेडिट इन बैंक स्टेटमेंट, या बाय बैंक भी लिख सकते हैं आप, बैंक में हमारे पास रॉन्ग क्रेडिट आया है 1,650 रुपए का, अब इसे एडजस्ट करना है तो हटाना पड़ेगा ताकि कैश बुक पर पहुंच पाए। उसके बाद पॉइंट नंबर बी कहता है सर्टेन चेक्स वैल्यू टू 4,500 इश्यूड बिफोर June 30 नॉट क्लियर, आपने कुछ चेक इशू किए थे 4,500 के, वो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है, आपने इशू किए तो आपने क्या किया, कैश बुक का डिक्रीज कर लिया, रिड्यूस कर दिया, पासबुक का बैलेंस ऊपर है क्योंकि वो क्लियर नहीं हुआ है, बैंक के पास प्रेजेंट नहीं हुआ है वो चेक, ठीक है। तो हमें अगर कैश बुक तक पहुंचना है तो पासबुक के बैलेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा इस अमाउंट से, ताकि एक जगह आ जाए दोनों के बैलेंस। आइए यहां भी इस बी पॉइंट पर भी रिड्यूस होगा, चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है, हमने इश्यू तो कर दिए पर अभी वो क्लियर नहीं हुए हैं, कितना अमाउंट है 4,500 रुपए। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर सी पर, अ हायर परचेज पेमेंट ऑफ 950 मेड ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर वाज नॉट एड इन कैश बुक। एक हायर परचेज पेमेंट है, हायर परचेज ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं, या तो आपने ऐसा माना जाता है शुरू में आप रेंट पे कर रहे हैं और आखिरी में समय में हायर, मतलब अभी क्या बन रहा है, हायर यानी किराए पर चल रहा है, आखिरी में हो सकता है ट्रांजेक्शन सेटल हो जाए कि उसे परचेज मान लें, ठीक है, आपने इसका पूरा अमाउंट दे दिया है तो ये आपको आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जब तक पूरा अमाउंट नहीं दे देते आप, क्या माना जाता है, रेंट पे चल रहा है, जैसे ये पूरा अमाउंट दे देंगे उसका इंस्टॉलमेंट्स को तो क्या माना जाएगा, वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई, वो एसेट आपका हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास, हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ऑर्डर दे रखे हैं बैंक को कि साहब ये हमारा जो हायर परचेज का पेमेंट है आप पे कर दिया कीजिए, बैंक ने पे कर दिया, हमें इसकी इंफॉर्मेशन है नहीं, यानी बैंक ने जैसे ही पे किया कैश बुक, सॉरी पासबुक नीचे चली गई, बैंक का बैलेंस नीचे चला गया, हमारा बैलेंस ऊपर ही है, तो हमारे बैलेंस यानी कैश बुक पर आने के लिए बैंक, हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक के बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा इस अमाउंट से 950 से। आइए बढ़ाते हैं पॉइंट नंबर सी, हायर परचेज पेमेंट बाय
बैंक बैंक ने पेमेंट कर दिया है, कितने का पेमेंट है 950 रुपए का। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट डी पॉइंट, अ चेक ऑफ 600 रिसीव्ड, एक चेक है 600 का रिसीव हुआ, डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, रिसीव तो हुआ हमने जमा भी कराया और बैंक ने भी उसका क्रेडिट दे दिया हमें, वॉज अकाउंटेड एज अ रिसीट इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। हो गड़बड़ हो गई है, तो हमें लिखना चाहिए था कैश बुक के बैंक कॉलम में, और उसे हमने गलती से लिख कैसे दिया, बैंक कैश बुक के कैश कॉलम में लिख दिया, यानी हमने अपना कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ाया नहीं, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा, कैश बुक के बैंक कॉलम की बात चल रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर कैश बुक पर आना है तो पासबुक को नीचे लाना पड़ेगा ताकि कैश बुक के बैंक कॉलम के बराबर आ जाए, तो इसे भी रिड्यूस करना है। आइए, सॉरी, हाँ जी, तो पॉइंट नंबर सी हम आते हैं, क्या था हमारे पास, ये चेक रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड रॉन्गली एंटर्ड इन कैश कॉलम, कैश कॉलम में लिख दिया आपने गलती से उसे, बैंक कॉलम की जगह कैश बुक में। ठीक है, कितने का अमाउंट था इसका, 600 रुपए का, 600 रुपए का, तो हमने इसे घटा दिया। अब आए आगे चलें, इसके बाद पॉइंट नंबर ई हमारे पास है, अदर चेक्स फॉर 8,500 वर डिपॉजिटेड इन जून, हमने और भी कुछ चेक जमा कराया 8,500 के, बट चेक फॉर 6,000 ओनली वर क्लियर्ड बाय द बैंक, हमने डिपॉजिट कराया यानी हमें उनसे पैसा मिलना था, यानी हमने क्या किया, कैश बुक को 8,500 से बढ़ा दिया, बैंक ने केवल 6,000 क्लियर किए, यानी पासबुक हमारे बैलेंस से नीचे है। अब हमें कैश बुक पर पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, इस डिफरेंस अमाउंट को कैश बुक पासबुक के बैलेंस में या बीआरएस में जोड़ेंगे ताकि कैश बुक पर पहुंच पाए। क्या बात क्लियर है आपको, चलिए, तो डिफरेंस अमाउंट कितना हो गया, 8,500 में से 6,000 गए तो 2,500 का। आइए पॉइंट नंबर ए लिखें हम, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बट नॉट क्लियर्ड, आइए कितना ये अमाउंट आ गया, 8,500 माइनस 6,000, ठीक है, यानी 2,500 रुपीज। चलिए जी, अब क्वेश्चन खत्म हो गया है हमारा पूरा का पूरा, अब फाइनलाइज कर लेते हैं, इसकी टोटल करते हैं। आइए, तो पहले पॉजिटिव का देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 2,500 प्लस 950 कितना हो गया, 3,450, 3,450 यानी 3,450। अच्छा, नेगेटिव का टोटल करो जरा, 16,150, 4,500 और 600, इनका टोटल और बताओ कितना आएगा, ये 6,750, ये माइनस में है तो ब्रैकेट डाल देते हैं इसे, 6,750 रुपए। चलिए अब फाइनलाइज करें, टोटल करें, तो देखिए हमारे पास पहला जो क्रेडिट बैलेंस था पॉजिटिव है 9,214 प्लस 3,450, इन दोनों को टोटल करो और इसमें से 6,750 माइनस कर दो, मुझे बताओ कितना अमाउंट आएगा। हाँ जी, कितना बता रहे हैं, 5,914, 5,914 का मतलब हो गया 5,940, पॉजिटिव का बैलेंस आया है यानी बैंक का बैलेंस क्या हुआ, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के हिसाब से आज के दिन ये बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बीआरएस बना लिया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।